हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो जुलाई सेशन में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सारी शिफ्ट्स में, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और कहाँ पे हमें कौन से टॉपिक्स पे फोकस रखना है। हालांकि सारा ही सिलेबस देखो इम्पोर्टेंट होता है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, पूरा ही सिलेबस है वो इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन मोस्टली कहाँ पर ज़्यादा फोकस किया है जिससे आपको ये लगे कि हाँ इन चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चित्त को शांत करके, मन को रिलैक्स करके हर एक बात को अच्छे से सुनना है, ठीक है। इससे पहले कि फ्रेंड्स हम बात करें ये रिव्यू के बारे में, और पूरा एक्सप्लेन भी करेंगे हम इस रिव्यू को कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आंसर करना था, वो सारी बातें भी करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारी एक ऐप है SWMG प्ले स्टोर में, सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से। इसमें आप UGC NET का Paper 1 ज्वाइन कर सकते हैं, Paper 1 की टेस्ट सीरीज बुक, Paper 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और Paper 1 के लिए हमने 35 डेज की वैलिडिटी के लिए कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसमें रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी एग्ज़ाम के लिए हैं वो, तो अगर आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हैं। उसका 1470 का फीस रखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं जो पेपर हुए उनके रिव्यू के बारे में बात करते हैं कि कैसे कैसे और कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, इस बारे में बात करते हैं। अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, है ना, शिक्षण अभिवृत्ति की बात करूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो यहां पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है वो एक तरह से इवेल्युएशन है। एक तो मूल्यांकन वाला, ठीक है, मूल्यांकन का है वहाँ पर, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सबमिटिव इवेल्युएशन, नॉर्म रेफरेंस, ठीक है, और इप्सेटिव क्राइटेरिया रेफरेंस, इस तरह के जो इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर्मेटिव से क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ हम बात कर लेते हैं फॉर्मेटिव, जिसको हम निर्माणात्मक भी कहते हैं, ठीक है, निर्माणात्मक भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है निर्माणात्मक में? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन वो होता है जो कंटिन्यूस बेसिस पे हो, जो लगातार बेसिस पे हो, जैसे पढ़ाते टाइम बीच बीच में क्वेश्चंस पूछना, ये या क्विज सेशन चलाना, ये सारा का सारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या निर्माणात्मक मूल्यांकन है। यानी कि ड्यूरिंग स्टडी या ड्यूरिंग किसी दौरान, किसी प्रोजेक्ट के दौरान, अध्ययन के दौरान जो मूल्यांकन या इवेल्युएशन चलता है वो होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, इस बारे में ध्यान रखना। और एक इवेल्युएशन होता है समेटिव इवेल्युएशन, जिसको हम एक तरह से सारा काम जब समेट लेते हैं, मीन्स जब एंड ऑफ द स्टडी जब कोई भी इवेल्युएशन होता है तो होता है समेटिव इवेल्युएशन। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ड्यूरिंग तो हो गया फॉर्मेटिव यानी कि निर्माणात्मक, और समेटिव जो हो गया सबसे एंड में, यानी कि स्टडी के एंड होने के बाद, और बिफोर स्टडी अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक होता है, निदानात्मक, कि क्या डायग्नोज करना कि क्या क्या इसमें वीक पॉइंट है, क्या क्या इसमें स्ट्रेंथ है, ये बिफोर। तो क्या क्या हो गया? बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर, ये तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि बिफोर स्टडी, ड्यूरिंग स्टडी और आफ्टर स्टडी, ये पूरी की पूरी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो बिफोर हो गया कौन सा? हो गया डायग्नोस्टिक, ड्यूरिंग हो गया फॉर्मेटिव और आफ्टर हो गया समेटिव, इस सीक्वेंस में रहता है। एक होता है नॉर्म रेफरेंस, जिसको हम बात करते हैं नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस होता है रैंक की बात होती है, किसकी? जो रैंक आती है, परसेंटाइल वगैरह जो आता है वो नॉर्म रेफरेंस में आता है, इस बारे में ध्यान रखना। परसेंटाइल वगैरह की बात होती है, जो UGC रिजल्ट निकालता है परसेंटाइल में, या रैंकिंग की बात होती है, वहाँ होता है नॉर्म रेफरेंस, ठीक है। और एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस, ठीक है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्या होता है फ्रेंड्स? एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया जाता है, पहले से एक क्राइटेरिया है कि आप ये लेके आओगे तो, यानी कि मान लो ये 60% मार्क्स लेके आए तो आपको कहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आ गई, यानी कि पहले से कोई क्राइटेरिया रखा हुआ हो, स्टैंडर्ड डिसाइड हो, तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस होता है। तो इस तरह से इवेल्युएशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। और एक मेथड ऑफ टीचिंग में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे टीचर सेंट्रिक कौन सी अप्रोच है। टीचर सेंट्रिक का मतलब जहाँ केंद्र बिंदु क्या हो? टीचर हो। जैसे एक लेक्चर मेथड है, व्याख्यान पद्धति है, लेक्चर मेथड में क्या होगा? टीचर का अहम रोल होता है व्याख्यान पद्धति में, तो ये टीचर सेंट्रिक मेथड हो गया। तो इसी तरह से मेथड होते हैं जिसमें टीचर सेंट्रिक होता है, स्टूडेंट, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, एक तरह से स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वो एक तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया। फिर मिक्स मेथड भी हो जाता है, डिस्कशन मेथड हो गया, ठीक है, ये मिक्स में आ गया। तो इस तरह के जो मेथड्स होते हैं टीचिंग के, जो हमने कई सारे मेथड्स के बारे में बात करी है, अगर आपको याद है तो डिडक्टिव मेथड होता है जिसको हम निगमनात्मक बोलते हैं, इंडक्टिव आगमनात्मक होता है, ठीक है ना। हमने लेक्चर यानी कि व्याख्यात्मक लेक्चर मेथड, व्याख्या
व्याख्यान पद्धति के बारे में बात की है, उसके बाद हम डिस्कशन मेथड के बारे में बात की है, ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में बात की है ना, प्ले वे मेथड के बारे में बात की है, ये सारे रोल प्ले के मेथड के बारे में बात की है, ये सारे के सारे मेथड्स हैं जो टीचिंग के हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे जाते हैं, तो मेथड्स ऑफ टीचिंग से भी आपको अच्छे से क्वेश्चंस को करना है। ये सारे सिक्वेंस में हमने पढ़ रखे हैं फ्रेंड्स अच्छे से, अगर आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी सर्च करोगे मेरे से तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करूँ, अगर शोध अभिवृत्ति की बात करूँ, तो यहाँ पे जो है वो एक तो पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच से क्वेश्चन, पॉजिटिविस्टिक क्या होता है, पॉजिटिविस्टिक आपको पता है सारा का सारा क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, और ये कहता है कि 100% सच को जान सकते हैं नंबर्स में डाटा इकट्ठा करो तो, है ना। जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है, क्वालिटेटिव है, ये कहते हैं कि सच के एक भाग को जान सकते हैं, 100% सच को नहीं जाना जा सकता, कुछ कुछ एरर आ सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, यानी कि पॉजिटिविस्टिक है वो मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है वो क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक है, ठीक है। और मेथड्स ऑफ रिसर्च में आपको मैंने बताया था, और एक सेशन भी मैंने लिया था जिसमें रिसर्च का कंप्लीट मैंने आपको टाइप्स के बारे में बात की है, यूट्यूब सेशन पे भी लिया था, ठीक है। उसमें सारे के सारे फंडामेंटल रिसर्च के बारे में मैंने बात की है, अप्लाइड रिसर्च के बारे में बात की है, यानी कि मौलिक शोध है ना, व्यवहारिक शोध, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध के बारे में बात की। आप रिवाइज करो, ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मात्रात्मक शोध के बारे में, इथिनोग्राफिक रिसर्च, निर्जातीय शोध, नैरेटिव रिसर्च जिसको वृत्तात्मक शोध कहते हैं, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, दृश्य घटना पे आधारित शोध, केस स्टडी, सर्वे, ये सारे के सारे रिसर्च हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने बात की है। तो यहाँ पे पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच के बारे में कि कौन सा क्वालिटेटिव है, कौन सा क्वांटिटेटिव, मैंने आपको बता दिया, ये भी ध्यान रखना। और अप्रोच मेथड्स ऑफ रिसर्च के बारे में जो हमने बात की है, एक वीडियो भी आपके है, इसका मैंने लिंक भी शेयर कर दूंगा, मीन्स ऊपर आपको इसमें मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कॉम्प्रीहेंशन के बारे में, तो कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी इजी आ रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेशन तो मांगता है ना। जो आप कंसीन पैसेज आ रहे हैं वो इजी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, हल्का सा देखो इनको करने के लिए आपको एकाग्रता तो अच्छी चाहिए। मैं अभी तक की बात कर रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ कंसंट्रेशन तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि पैसेज के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है आपकी एकाग्रता कितनी बहुत अच्छी है। ऐसे नहीं कि पहला क्वेश्चन पढ़ लिया फिर ऊपर से पढ़ रहे हो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया फिर ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हो, ऐसे ऐसे तो आप कितनी बार पैसेज को ऐसे पढ़ोगे। तो बिल्कुल कॉन्सनट्रेट रहिए, एकाग्र रहिए जो पैसेज को करो, और उसके भाव को समझने की कोशिश करिए पैसेज के। ऐसे नहीं है कि आप लाइन मिलाने की कोशिश करो, ठीक है, लाइन जब बच्चे थे तब मिलाते थे, अब बड़े हो चुके हैं, अब लाइन नहीं मिलानी है, अब कंसेप्ट को समझना है, मतलब अगले की भावना समझनी है। ऐसे लाइन मिलाने वाला टाइम चला गया, अब क्या समझनी है, भावना ही समझनी है, उसके दिल में क्या है, किसके सर पैसेज की बात कर रहा हूँ, इधर बात कर लो, ठीक है, नजरों के लाइन नहीं मारनी है, चलो ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। और डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करूँ, DI की बात करूँ, तो DI ईजी टू मॉडरेट है ना, बहुत टफ नहीं आ रही है, ईजी टू मॉडरेट है। किसी की कैलकुलेशन बहुत ही स्लो है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, देखो जोड़ बटाओ गुणा भाग, उसके लिए तो वो बहुत टफ हो जाएगी, लेकिन बेसिक है पर से। और ज़्यादातर अब की बार मैथ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, कुछ कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, जो 12 तारीख को इवनिंग हुआ उसमें भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो इसमें रेशियो और परसेंटेज को बहुत अच्छे से, जहाँ तक अभी तक का सवाल है, तो रेशियो यानी कि अनुपात से और परसेंट यानी कि प्रतिशत से बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो परसेंट निकालना तो आपको पता ही होना चाहिए ना कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 100 में से निकालते हैं, ऐसे ऐसे आपको करना है, ठीक है ना। डिस्काउंट यानी 40% का मतलब क्या होता है, 100 में से 40, इस तरह की बेसिक बातें तो आपको पता होनी चाहिए, तब तो कैलकुलेशन कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, चलो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से परसेंटेज और रेशियो को है ना 2-3 क्वेश्चन आप निकाल लो, इस वीडियो को सुन रहे हो ना, उसके बाद आधा घंटा बैठना कि मुझे परसेंटेज के 2-4 क्वेश्चन निकालने, कोशिश करना आ भी जाएंगे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बात करूँ, तो नंबर जो सिस्टम है, कोडिंग, डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया है अभी, है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय जो हम बात करते हैं, है ना, एक डायरेक्शन की बात करते हैं। स्टूडेंट ने यही बताया कि डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो डायरेक्शन में भी पूछ लेते हैं कि वो कितनी दूरी पे हैं, वो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। और या फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला भी याद रख लो आप, है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे भी आप निकाल सकते हो, है ना, इस फॉर्मूले को भी। नंबर सिस्टम भी, कोडिंग जो आपको याद करनी है,
कि ए टू जेड तक मुझे कौन सा लेटर किस पोजीशन पे आता है, इसका अपोजिट कौन सा होता है, ये सारी बात आपको याद करनी पड़ेगी। और नंबर में क्या होता है कि भी आगे नंबर बढ़ते हुए हमें होगा तो जोड़ होगा या फिर गुणा होगा, ऐसा ही होता है ना। तो अब नंबर सिस्टम क्या करता है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, आपको लगता है बस अब तो आ ही गया बस हो गया, ऐसे करके वो बहुत टाइम खा जाता है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार स्किप करिए, आगे चलिए, क्योंकि वो आपको एक ट्रैप है, उसमें फंसाया जा रहा है कि आप अपना टाइम यहाँ डिवोट कर दो जितना भी है, और आपको यूँ लगता है ये तो मैं करके ही रहूँगा, और जब आ जाता है ना तो 10 मिनट ऐसे खुशी मनाते हैं, ओए होए आ गया, अरे आगे वाला कर ले भाई, सारा पेपर छूट जाएगा, बात समझ रहे हो ना। तो भावनाओं को कंट्रोल करना है, मैंने कहा ना सारा खेल अब बड़े हो चुके हैं, भावनाओं का है, वो वाली बात नहीं बची है। चलो ठीक है सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाली यूनिट में बात करें तो HTTP से स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं। HTTP आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। जब भी कोई हम इंटरनेट यूज करते हैं तो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, उसकी बात है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। एक HTTPS भी पूछा गया था कि इस S का मतलब क्या है, इसका मतलब सिक्योर है, कि कितना सिक्योर है वो, क्योंकि कोई भी टेक जो भी ट्रांसफ़र होता है तो आपके इंटरनेट के थ्रू, तो प्रोटोकॉल के तहत काम होता है, तो वो उससे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन पूछे गए। तो आप HTTP के बारे में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में 2-4 चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हो कि भाई HTTP क्या है, इंटरनेट में सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है, प्रोटोकॉल के तहत होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसमें S भी यूज होने लग गया जो सिक्योर के लिए है, ऐसी बातें आप कर सकते हैं, हो जाएगा। और स्पीड वाला क्वेश्चन पूछा गया है मेमोरी में, स्पीड वाले की बात हमने करी है कि अगर ये CPU है तो CPU के सबसे पास होता है रजिस्टर, उसके बाद होता है कैसे, उसके बाद होता है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, उसके बाद होता है सेकेंडरी। तो स्पीड का क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज़्यादा स्पीड होगी रजिस्टर की, उसके बाद होगी कैशे मेमोरी की, उसके बाद होगी प्राइमरी की, उसके बाद होगी सेकेंडरी की। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, रजिस्ट्री की, उसके बाद कैसे की, उसके बाद प्राइमरी की, उसके बाद सेकेंडरी की, ऐसे हो जाएगी। अब स्पीड और स्टोरेज में डिफरेंस है, अभी स्पीड का क्वेश्चन पूछा गया है तो स्टोरेज का जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्टोरेज सेकेंडरी के सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद प्राइमरी की, उसके बाद कैसे की, और सबसे कम रजिस्टर की। अगर स्टोरेज पूछे, संग्रह पूछे, और स्पीड यानी कि गति पूछे तो ये वाला हो जाएगा। ये बात हो चुकी है ना, चलो बहुत बढ़िया। और SPSS की जो फुल फॉर्म भी पूछी गई है, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था, ये रिसर्च एप्टीट्यूड में हम पढ़ते हैं जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं स्टैट्स के लिए, वो है ये, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था SPSS, स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में DVD के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, DVD के बारे में, जिसका फुल फॉर्म आपको पता ही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। और DVD RW के बारे में क्वेश्चन हम की बार पूछा गया, बता रहे हैं, जो रीराइटेबल होता है। DVD RW का मतलब है DVD रीराइटेबल, और ये किस लिए डिजाइन की गई, कितना स्टोर करता है DVD, 4.7 GB, कितना करता है, 4.7 GB, DVD कितना स्टोर करता है, 4.7 GB। अब आपको पता है CD जो कॉम्पैक्ट डिस्क, उसका वर्जन एक तरह से अपडेटेड रूप है, एक तरह से DVD है ना, तो आपको मुझे ये बताना है CD में कितना हम स्टोरेज कर पाते थे, CD में कितना कर पाते हैं, DVD में तो मैंने बता दिया 4.7 GB हो गया, ठीक है। और इसका मतलब है रीराइटेबल, RW का मतलब है रीराइटेबल, मतलब हम इस DVD में इरेज करके फिर राइट कर सकते हैं, यानी कि रीराइटेबल है ये, ऐसे नहीं कि एक बार हो गया तो उसको वापस इरेज नहीं कर सकते, हम कई बार इसको कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, ये है DVD RW, ठीक है फ्रेंड्स। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में अगर मैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की बात करूं तो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात की है, नेचुरल जो प्राकृतिक जो आपदाएं और विपदाएं, आपके एक टॉपिक है ना नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक है आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, या नेचुरल यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और विपदाओं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपको सारी बात पता ही है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, वोल्केनो इरप्शन है ना, टोर्नेडो है, ट्रॉपिक स्टॉर्म्स हैं यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण है, ठीक है, ड्रॉट है, सूखा है, एवेलेंचेज है यानी कि हिमस्खलन है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे नेचुरल में आ जाएंगे जो बाय नेचर होते हैं। तो ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में हमने बात भी करी है नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, फ्लड आ गया, ठीक है, ये सारा का सारा हो गया। और कुछ एक है कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज असेंडिंग ऑर्डर में, ये आपसे पूछा गया था कि ग्रीन हाउस गैसेज में किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। तो अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन आपको पता है, लगभग 65% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस गैसेज में। कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, नॉट पोटेंशियल की।
तो कंट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, लगभग 65%, है ना। उसके बाद आप एक बार सीक्वेंस लिख के दिखा दो ना मेरे को कि कौन कौन सा है। कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसके नीचे एक सीक्वेंस लिख के बताओ। इस तरह की बात डिस्कस किया करो, और बात डिस्कस करने लग जाते हैं कि वो कैसी है, तेरे को क्या मतलब है, अच्छी होगी वो, ठीक है। और कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं, और मैच करने के लिए आया था कि ये प्रदूषक किससे निकलता है, ये प्रदूषक किससे निकलता है। जैसे मैं व्हीकल से बात करूं तो क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कोल जहां पे जलेगा तो आपको पता है कोयला जहां पे जलेगा वहां पे मीथेन नहीं निकलेगा, है ना, वहां पे ओजोन नहीं निकलेगा। इस तरह से आप कौन कौन सी चीज़ निकलती है, कौन सी नहीं निकलती, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन जहाँ से निकलते हैं, वो जहाँ जलते हैं वहाँ क्या क्या निकलता है, क्या क्या इमिट होता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको, मीथेन कहाँ से निकलता है, ओजोन एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो कैसे बनता है, इस तरह की बातें आपको आनी चाहिए। और वेस्ट के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, वेस्ट जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है उसका मैनेजमेंट कैसे करें, तो है ना, प्रबंधन में हमने कहा है कि हम एक पहले उन जो हमारे डस्टबिन के कलर्स होते हैं, येलो कलर हो गया, ठीक है ना, ब्लू कलर हो गया, इस तरह के कलर्स में डिवाइड करते हैं हम, और कौन से कलर में क्या डाला जाता है। जैसे येलो कलर में कोई भी हमने ह्यूमन एनाटोमी, एनिमल एनाटोमी कुछ डाला, जो बॉडी पार्ट होता है वो येलो में आ गया, फिर उसका फाइनली कैसे करेंगे, तो उसका इंसिनरेशन करेंगे। इंसिनरेशन मतलब भस्मन करेंगे, उच्च ताप पे जलाएंगे, ये एक मैनेजमेंट का तरीका है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि इनका फाइनली जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उसका कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसका, ऐसा तो नहीं कि बाहर फेंक दिया, ऐसा नहीं करते, उसका क्या करते हैं, इंसिनरेशन करते हैं, यानी कि भस्मन करते हैं, उच्च ताप पे उसको जलाया जाता है, ठीक है। इस तरह की बातें आपसे पूछी जा रही है फ्रेंड्स। तो बेसिक बातें, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना फ्रेंड्स। अभी भी समय है, समय गया नहीं है, समय अभी भी है, लेकिन रटने पे और टेंशन पे ध्यान मत दें, ठीक है। अपने आप को कूल रखें, अपने आप का चित्त शांत रखें, मन रिलैक्स रखें, और एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को समझने के ऊपर ध्यान दें। बाद में आके कुछ भी कह लेना, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। आपका तो एग्जाम अगर दिक्कत हो गई तो किसी को कुछ कह दो, क्या फर्क पड़ेगा, आपका तो टाइम खराब हो जाएगा ना। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट रखिए ऑन कंसेप्ट्स, ये ध्यान रखना, कंसेप्ट को बिल्कुल फोकस रखें कि ये मुझे कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या। और कम्युनिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन से मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, हमने पहले भी बात की और ऐसा ही वो कर रहे हैं। वर्बल और नॉन वर्बल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और तरह तरह के क्वेश्चन जो टीचिंग और कम्युनिकेशन से मिक्स करके, वर्बल क्या होगा, जहाँ पे वर्ड्स होंगे, जहाँ पे शब्द होंगे वो वर्बल होता है ना। और जो वर्बल शब्द कहाँ पे हो सकते हैं, स्पीच में भी हो सकते हैं, यानी कि बोले हुए भी हो सकते हैं, और रिटन में भी हो सकते हैं, लिखित में भी हो सकते हैं। और नॉन वर्बल होता है जहाँ पे वर्ड्स नहीं हो, जहाँ पे शब्द नहीं हो, वो नॉन वर्बल होता है। और इशारों में, जेस्चरल, इशारों में बात करना, ये जेस्चरल होता है, नॉन वर्बल होता है। जैसे आंखों आंखों में बात करना, किनेसिक्स हो गया, है ना, बॉडी लैंग्वेज काइनेस्थेटिक हो गया, ये सब का सब क्या है, नॉन वर्बल है। जहाँ पे पैरालिंग्विस्टिक, ये सब क्या है, नॉन वर्बल है, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग में हमने इंडियन लॉजिक से परमाणा से क्वेश्चन बात कर रहे हैं, परमाणा से, ठीक है। परमाणा की बात कितना करते करते थक गए हम, अनुपलब्धि की बात, न्याय की बात करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी और कॉन्ट्रेरी सब, ये हमने एक बॉक्स बोला था ना कि ये याद रखना है, ए आई ओ, ये याद रखना है, बोला था ना, है ना, ऑल, नो, सम, सम नॉट, ये याद रखना है, है ना। इससे आता है बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया, ऊपर कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, और साइडों में सब अल्टरनेशन, ये सब आ गया था। ये बातें हमारी हुई तो थी, ए ई आई ओ, ऐसे याद रखना है, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब अल्टरनेशन, ये सारे शब्द याद हैं क्या, क्या तुम्हें याद हैं, ठीक है, याद रखना ये, चलो बहुत बढ़िया। ए ई आई ओ, ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है, वो एक मूवी आई थी ना, वो करता घूमता रहा, ए आई ओ, वो यही है, वो ए ई आई ओ, बार बार मत बोलो सर, हाँ बोलूँगा, याद हो जाएगा, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ए का मतलब ऑल, ई का मतलब नो, आई का मतलब सम, ओ का मतलब सम नॉट, ठीक है ना। और उसके बाद, हाँ ये आपको मैं बॉक्स फिर बना के दिखा देता हूँ, ये याद रखना है, ए ई, सर इतना क्यों बता रहे हो, बताएंगे, ठीक है, क्योंकि आ रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, ये बीच में आएगा कॉन्ट्राडिक्टरी, यहाँ कॉन्ट्रेरी, यहाँ सब कॉन्ट्रेरी, और यहाँ सब अल्टरनेशन, याद रखना है ये, ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है, चलो बहुत बढ़िया।
उसके बाद हम बात करेंगे हायर एजुकेशन में, नैक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है से, है ना, जो एक्रीडेशन का काम करता है नैक, आपको पता है एक ऑटोनॉमस बॉडी है ना, यूजीसी से फंडेड है ये, और एक ऑटोनॉमस बॉडी है और ये एक्रीडेशन का काम करता है ना, जो जनरल कॉलेजेस हैं उनको। आप बताइए टेक्निकल को कौन एक्रीडेट करता है, एक बार बताइए ना कॉमेंट बॉक्स में। स्वयं प्रभा और मॉक के बारे में, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स स्वयं प्रभा जिसमें डीटीएच चैनल होते हैं, स्वयं में क्या क्या कंटेंट, अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो मैंने हायर एजुकेशन की करंट की एक वीडियो डाली हुई है यूट्यूब पे ही, हायर एजुकेशन का करंट डाला हुआ है, ठीक है, करंट है ना, उस करंट में मैंने सारी स्कीम्स के बारे में, इनके बारे में बात की है, और मैंने वो वीडियो बनाते टाइम भी कहा था कि इनको देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी स्कीम्स के बारे में मैंने बात की है, एक जगह मिल जाएगी फ्रेंड्स, अगर समय का अभाव नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए इसको, ठीक है, उसका भी मैं आपको जो एंड में आपको स्क्रीन पे दिखाता है वो मैं लगा दूंगा, टैग कर दूंगा उसको, देख लेना, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में IOE के बारे में, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन पिछले अब की बार में पूछा गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस IOE इज द ए रिकॉग्नाइज्ड स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया सेट बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन 2017। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस क्या है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक मान्यता योजना है जिसे 2017 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था, ठीक है, और द प्लान इनकम्पसेस 20 इंस्टीट्यूशंस, 12 ऑफ विच आर ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एविडेंस एज ऑफ अप्रैल 2021। इस योजना में 20 संस्थान शामिल हैं, इस योजना में IOE की योजना में कितने संस्थान शामिल हैं, 20 संस्थान शामिल हैं, ठीक है, जिसमें से 12 पहले ही अप्रैल 2021 तक प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किए जा चुका है, याद रखना 20 में से 12 पहले ही 2021 तक उनको प्रतिष्ठित संस्थान घोषित किया जा चुका है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद में ये बात, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट जो इसमें रिकॉग्नाइज हो जाते हैं IOE में, इसमें क्या होता है, इसमें जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स हैं आर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी बोथ एडमिनिस्ट्रेटिवली और एंड एकेडमिकली, यानी कि इससे जो मान्यता प्राप्त संस्थान है उनको ज़्यादा स्वायत्तता दी जाती है, प्रशासनिक रूप से भी और अकादमिक रूप से भी, प्रशासनिक में जैसे उनको फीस वगैरह का सेटिंग करना उनके हाथ में दे दिया जाता है, और अकेडमिकली भी, तो ये सब होता है IOE में, ठीक है, याद रखना है, याद रखोगे, चलो बहुत बढ़िया, याद रखोगे, बहुत शानदार। और मदन मोहन मालवीय जी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन में इन्होंने क्या किया, तो उन्होंने बनारस में एक नए आवासीय और शिक्षण अखिल भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जो प्राचीन काल से भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है, और इस तरह भारत में मौलिक एकता बनाए रखने की उन्होंने बहुत कोशिश की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ही प्रपोज्ड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू रेजिडेंशियल एंड टीचिंग ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एट बनारस, ये याद रखना, रेजिडेंशियल एंड टीचिंग ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एट बनारस प्लीज, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें जो हमने बात की है वो सारी बातें वही है जो अभी तक एग्जाम्स में पूछी जा रही है, मेमोरी बेस्ड हैं, जो जो स्टूडेंट्स को याद आया मैंने उनसे पूछा, उन्होंने वो बताया, मैंने आप लोगों से ये डिस्कस किया, तो प्लीज़ ये सारी बातें एक बार रिवाइज़ करना, जो शब्द मैंने बोले हैं उन शब्दों पे गौर करना, ठीक है ना, कि ये शब्द आपको याद हैं क्या, क्या इनके बारे में कुछ जानते हो, ठीक है, या सिर्फ उसके बारे में ही सब जानते हो, नहीं सर मैं हम इन शब्दों के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं सर, अरे मैं टीचिंग रिसर्च हायर एजुकेशन इसी की बात कर रहा हूँ और किसी की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना, ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान रखना कि आराम से अपने आप को कॉन्सनट्रेट रखें, चित्त को शांत रखें, मन को रिलैक्स रखें, सब बहुत बढ़िया है और सब बहुत बढ़िया होगा, अगर आपका मन शांत है, चित्त रिलैक्स है, तो प्लीज़ बिल्कुल टेंशन मत लेना, प्लीज़ मत लेना, टेंशन लोगे तो एग्ज़ाम ख़राब हो जाएगा, पहले ही कह रहा हूँ फ्रेंड्स कि अभी समय है, प्रॉपर रिवीजन पे फोकस करें, बहुत समय है, लेकिन रिवीजन ऐसे करें कि कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलें, चीज़ों को रटे ना, ठीक है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं, तो घुमा फिरा के कौन कर पाएगा क्वेश्चंस को, जो कंसेप्ट को समझता है, तो आप हमेशा खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और फ्रेंड्स अपना SWMG ऐप है, सक्सेस विद मुकेश गोयल इस नाम से ऐप है अपनी प्ले स्टोर में, इसमें UGC नेट का पेपर 1 क्या, अगर इस एग्जाम के लिए किसी को रिवाइज करना है तो वीडियो लेक्चर है रिकॉर्डेड, 35 डेज के लिए सेशन चल रहा है, आप यहाँ जाके इस कोर्स को ले सकते हैं, Paper 2 इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89, अगर किसी को लेना है तो ले सकता है, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।